नमस्कार साथियों, आज हम भारत भूगोल के पहले अध्याय भारत का भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन उसका सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र जिसे हम हिमालय नाम से जानते हैं। मित्रों, हिमालय एक नवीन और वलित पर्वतमाला है। नवीन का मतलब है कि यह रिसेंट समय में ही अभी ही बनी है, क्योंकि जब हम भारत का भूगोल देखते हैं तो जब हम उसमें सबसे पहले जो क्षेत्र बना, जो भौगोलिक क्षेत्र सबसे पहले बना वो है दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है वह, उसके बाद में हमारा हिमालय क्षेत्र बना और उसके बाद में सबसे जो नवीन क्षेत्र है वो कहलाता है विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान से पहले बना, जबकि दक्षिण भारत के जो पठारी क्षेत्र है जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं यह उसके बाद में बना, इसलिए ये नवीन और वलित पर्वतमाला है। मित्रों, पर्वतमाला दो प्रकार की होती है, एक नवीन वलित पर्वतमाला कहते हैं और दूसरी जिसे हम ब्लॉक पर्वतमाला कहते हैं। तो ये वलित पर्वतमाला का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी समय पहले एक लंबी सी लंबा सा समुद्र था जिसे हम 33 सागर कहते हैं। उस 33 सागर में जब मलबा लाया गया और उस मलबा में जब मलबे का जब मोटाई बढ़ती गई और जब उत्तरी क्षेत्र से एशियाई जो प्लेट है उसका और दक्षिणी क्षेत्र से भारतीय प्लेट का जब टकराव हुआ, तो इस टकराव के फलस्वरूप हिमालय के अंदर वलन पड़ने शुरू हुए और वलन के फलस्वरूप 3 समानांतर श्रेणियाँ विकसित हुई, जिसे हम हिमालय की मान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, या जिसे हम शिवालिक कहते हैं, 3 श्रेणियाँ देखने को मिलती है। तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत में अधिकांश चट्टाने हैं, ये हमें ये संकेत प्रदान करती है कि हिमालय नवीन वलित है, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टाने पाई गई वो नवीन है या युवा अवस्था में है। और साथ में ही यहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जैसे कि यहाँ गोर्ज पाया जाता है, यहाँ जो तालाब, जो सॉरी तालाब नहीं, जिसे हम घाटी कहते हैं, जो घाटियाँ पाई जाती है उनकी जब संरचना देखते हैं, उनकी स्थलाकृतियाँ देखते हैं, या हिमालय पर और छोटे मोटे जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती है वो, उन स्थलाकृतियों से हमें ये पता चलता है कि हिमालय नवीन बना हुआ है। जब हम इसकी दूसरी विशेषता देखेंगे तो ये है कि भारत के ये उत्तर में पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जहाँ पर ये पश्चिम में सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के जो गोर्ज है वहाँ तक इसकी लंबाई विस्तृत है। या हम यूँ इसे यूँ कह सकते हैं कि ये 22 डिग्री देशांतर पूर्व दक्षिण दिशा में इसका फैलाव है। यह धनुष या तलवार की आकृति में फैला हुआ है और इसका जब इसका हम मोड़ देखेंगे तो कॉन्वेक्स मोड़ है वो दक्षिण की तरफ है और कॉनकेव मोड़ है या अवतल मोड़ है वो उत्तर दिशा में है और उत्तल मोड़ है वो दक्षिण दिशा में है। इसके बाद अगली जब विशेषता देखते हैं तो वो है इसके उत्तर में तिब्बत का जो सर्वोच्च पठार है वो पाया जाता है, जबकि दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान। अर्थात यूँ कहेंगे कि हिमालय तिब्बत के सर्वोच्च पठार और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में विस्तृत है। हिमालय की चौड़ाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, जैसे कश्मीर में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है। मित्रों, एक बात ध्यान रखना हिमालय के बारे में, हिमालय की ऊंचाई पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में जाने पर कम होती जाती है, जबकि चौड़ाई पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की तरफ जाने पर बढ़ती जाती है। इसलिए पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी भाग में कश्मीर में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। साथ में जब हम ऊंचाई देखते हैं तो ऊंचाई पूर्वी भाग में, मध्य पूर्वी भाग में हिमालय के सबसे सर्वोच्च चोटी है जो माउंट एवरेस्ट वो स्थित है, जबकि पश्चिमी भाग में जो चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई इतनी अधिक नहीं है। जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 6,000 मीटर है, जबकि सबसे अधिक ऊंचा ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में मानी जाती है, जहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट है। साथ ही इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो ये इसकी औसत ऊंचाई है वो 6,000 मीटर है। ओ एच के स्पेट नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने 1956 में एक बुक का प्रकाशन किया, इंडिया एंड पाकिस्तान।
इंडिया एंड पाकिस्तान बुक के अनुसार एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां 94 है। कितनी है? जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से अधिक कुल चोटियां 94 है। उनमें से 92 चोटियां हैं वो हिमालय और कराकोरम पर स्थित है। इसका मतलब केवल दो चोटी एशिया की ऐसी है जो 7300 मीटर से अधिक ऊंची है और हिमालय और कराकोरम पर स्थित नहीं है। अन्य किसी भी महाद्वीप में इतनी ऊंची चोटियां कहीं पर नहीं पाई जाती है। अब हम बात करेंगे हिमालय के निर्माण की। तो मित्रों, हिमालय फेनेरोजोइक ईयोन से संबंधित है। फेनेरोजोइक ईयोन का मतलब ये हुआ कि यह दृश्य जीवी ईयोन से संबंधित है। जब ईयोन को विभिन्न एरा में बांटते हैं तो फेनेरोजोइक ईयोन के अंदर पेलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा, तीन एरा है। एरा को महाकल्प कहते हैं। तो फेनेरोजोइक ईयोन में तीन एरा है, या यूं कह सकते हैं कि दृश्य जीवी जो ईयोन है उसमें तीन महाकल्प पाए जाते हैं, पुराजीवी, मध्यजीवी और नूतन जीवी। सेनोजोइक या केनोजोइक भी कभी कभी इसको अलग अलग किताबों में कहीं पर सेनोजोइक नाम दे रखा है तो किसी किताब में केनोजोइक नाम दे रखा है। तो सबसे पहला है पेलियोजोइक, पेलियोजोइक के बाद में आता है मेसोजोइक। तो मित्रों, मेसोजोइक काल है ना, इस मेसोजोइक के महाकल्प में वर्तमान जहाँ पर हिमालय स्थित है वहाँ पर टैतिस सागर विद्यमान था। क्या था यहाँ पर? वर्तमान हिमालय के स्थान पर टैतिस सागर नामक विस्तृत एक सागर विद्यमान था। किस काल में, किस महाकल्प में? मध्यजीवी मेसोजोइक एरा के अंदर। मेसोजोइक एरा को हम तीन भागों में बांटते हैं फिर, ट्रियसिक, जुरेसिक और क्रिटेशस। ट्रियसिक, जुरेसिस और क्रिटेशस। तो ट्रियसिक, जुरेसिक और क्रिटेशस जो एरा है इसके अंदर वर्तमान जहाँ पर हिमालय है यहाँ पर क्या था? टैतिस सागर था। इसका मतलब है कि यहाँ हिमालय नहीं था, यहाँ पर एक अथाह विशाल सागर था जिसका नाम है टैतिस सागर। आपने सुना होगा कि संपूर्ण पृथ्वी को हम पेंजिया कहते हैं, पेंजिया जो स्थल भाग है उसको पेंजिया कहते हैं और जो जलीय भाग था उसको हमने पेंतलासा नाम दिया। जब पेंजिया का विखंडन हुआ तो पेंजिया दो भागों में बंट गया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं जिसे लॉरेंसिया भी कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो भाग था वो टैतिस सागर था, क्योंकि जो पेंथलासा का पानी है वो पेंजिया के विखंडन होने के फलस्वरूप टैतिस सागर के रूप में फैल गया। तो मेसोजोइक काल के अंदर वर्तमान हिमालय के स्थान पर टैतिस सागर विद्यमान था। फिर चलते हैं हम फेनेरोजोइक ईयोन के अगले महाकल्प जिसे हम सेनोजोइक कहते हैं। सेनोजोइक को हिंदी में कहेंगे नूतन जीवी। नूतन जीवी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हिमालय की दृष्टि से। सेनोजोइक को, सेनोजोइक को फिर और हम उप महाकल्पों में बांटेंगे। तो ये दो है, इसका टर्सरी और क्वार्टनरी जिसे हिंदी में कहते हैं, तृतीयक काल और चतुर्थक काल। तृतीयक काल को फिर हम बांटेंगे, इसका मतलब हिमालय, हम जैसे जैसे हिमालय की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब सबसे पहले जब हम देखेंगे फेनेरोजोइक ईयोन, फेनेरोजोइक ईयोन के बाद में जाना है हमें कहाँ पर, मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा के बाद में हमें जाना है टर्सरी पीरियड में। टर्सरी पीरियड में, टर्सरी पीरियड को और हम जब युगों में बांटेंगे तो वो आता है ईयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। क्या मित्रों? टर्सरी को बांटेंगे ईयो, ओलिगो, मायो, प्लायो। ईयो, ओलिगो, मायो, प्लायो, कैसे याद रखना है? ईयो, ओलिगो, मायो और प्लायो। ईयो को कहेंगे आदि नूतन, ओलिगो कहेंगे अल्प नूतन, मायो को कहेंगे मध्य नूतन और प्लायो को कहेंगे अभिनूतन। तो मित्रों, 65 मिलियन वर्ष पहले जब ईयोसीन काल के अंदर महान हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ, तो जब महान हिमालय है जो जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, उस हिमाद्री का उत्थान 65 मिलियन वर्ष पहले उत्थान इसका प्रारंभ हुआ, और ओलिगोसीन या अल्प नूतन युग में महान हिमालय का उत्थान है वो संपन्न हुआ। इसका मतलब महान हिमालय टर्सरी पीरियड से संबंधित है। किस पीरियड से? टर्सरी। टर्सरी किस में आता है? नूतन जीवी में। तो नूतन जीवी किस में आता है? फेनेरोजोइक ईयोन में। तो फेनेरोजोइक ईयोन के सेनोजोइक एरा के टर्सरी पीरियड में ईयोसीन और ओलिगोसीन काल के अंदर 65 मिलियन वर्ष पहले हिमालय का, महान हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ, जो कि ओलिगोसीन युग के अंदर महान हिमालय का उत्थान समाप्त हो गया। उसके बाद में 45 मिलियन वर्ष पहले मायोसीन आता है जिसे मध्य नूतन युग कहते हैं। इसमें निम्न हिमालय में वलन प्रारंभ हुए और इसमें निम्न हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद में
प्लायोसिन युग आता है। प्लायोसिन युग में जो उत्तर प्लायोसिन है या जो बाद का युग है, जो 1.4 मिलियन वर्ष पहले की बात है, यहाँ पर मध्य हिमालय की दक्षिण में इंडोब्रह्म नदी चलती थी। तो इस इंडोब्रह्म नदी में जब अवसाद लाए गए और उसका जब तल ऊपर उठने लगा, तो तब वहाँ पर शिवालिक या बाह्य हिमालय में वलन प्रारंभ हुआ और शिवालिक का निर्माण हुआ। मित्रों, हमें यह याद रखना है कि महान हिमालय जो ईओसीन और ओलिगोसीन युग में निर्मित हुआ, यह पुरानी रवेदार चट्टानें और तलसटी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। कौन सी चट्टानें हैं यहाँ पर? पुरानी रवेदार क्रिस्टलाइन रॉक पाई जाती है यहाँ पर, और दूसरी तलसटी चट्टानें, इसका मतलब कौन सी हुई? सेडिमेंट्री भी पाई जाती है। तो रवेदार और तलसटी दोनों हिमालय में मिलेगी आपको। फिर मायोसिन में जो निम्न हिमालय बना, तो निम्न हिमालय है, इसमें उत्थान पाकिस्तान में जो पोटवार है ना, वहाँ पर जो निक्षेप जमा हुआ था, उस निक्षेप में जो वलन प्रारंभ हुआ, तो उससे उसका निर्माण हुआ। फिर जब हम बात करेंगे शिवालिक की, तो शिवालिक का जो उत्थान है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की भूकंपीय घटनाएं हिमालय के क्षेत्र या नेपाल में या जम्मू कश्मीर में या हिमालय के जो भी राज्य है भारत के, और उत्तर में जो तिब्बत और नेपाल का क्षेत्र है, वहाँ पर समय समय पर हमने भूकंप की घटनाएं देखी है। तो ये भूकंप की घटनाएं हमें ये दिखाती है कि हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है। मित्रों, ये ध्यान रखना कि शिवालिक श्रेणी के उत्थान के साथ में पीर पंजाल श्रेणी का भी उत्थान हुआ। कौन से काल में? वो भी प्लिस्टोसिन काल में हुआ, और पीर पंजाल श्रेणी के जो उत्थान हुआ उस काल के अंत में, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि करेवा सरोवर के तल में जो उबार हुआ और उसके कारण पीर पंजाल श्रेणी। तो मित्रों, जो पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ पर पहले करेवा डिपॉजिट पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? करेवा डिपॉजिट। तो करेवा डिपॉजिट के तल में उत्थान होने के कारण हमें यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी का उत्थान दिखाई देता है। ये तो था टर्सरी काल। जब हम क्वार्टनरी काल में चलते हैं तो उसको दो भागों में बांटते हैं, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। मित्रों, वर्तमान में होलोसिन काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? होलोसिन। तो होलोसिन से पहले प्लिस्टोसिन, मैंने कहा ना हिमालय के बाद में उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, और हिमालय के पहले दक्षिण में जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण हुआ। तो प्लिस्टोसिन काल में उत्तर भारत के मैदान है वो अस्तित्व में आए। मित्रों, तो ये था कि हिमालय की जो तीन समानांतर श्रेणियां हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ? मान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। तो मान हिमालय ईओसीन और ओलिगोसीन काल में, मध्य हिमालय जिसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं या लेसर हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं, वो पाया जाता है, जिसका उत्थान हुआ हमें मायोसिन काल में, और सबसे अंत में शिवालिक श्रेणी का उत्थान हुआ जो हुआ प्लायोसिन काल में। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो ये था मित्रों हिमालय के निर्माण की घटना। धन्यवाद।